तो आपको याद होगा जब हम दादा नानी के घर जाते थे, दादा दादी के घर जाते थे या नाना नानी के घर जाते थे, तो हम कभी कभी उनके पैरों में दर्द होता था तो हम लोगों को वो चलने के लिए बोलते थे और हम उनके पैरों पे थोड़ा सा मसाज कर देते थे चल चल के ऐसे इधर उधर। ये काम आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है, क्योंकि दर्द एक ऐसी समस्या है जिससे बड़े बूढ़ों की हम इस तरह से सेवा करते थे लोग, और अभी जो लोग हैं ये नहीं हो पा रहा है उनसे, और अभी सोच रहे हैं कि कोई ऐसा कुछ चीज़ हो जिससे हमें दर्द से राहत मिल जाए। तो आज मैं एक ऐसा ही प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप ये जो रोज़मर्रा के जो दर्द हैं जो इनसे आप निजात पा सकते हैं, और कहीं भी कभी भी, क्योंकि कभी कभी आप बाहर होते हैं और आपको पेन होता है, कभी ऑफिस में होते हैं तो आपको दर्द होता है, तो वहाँ पर तो आपके घर वाले आके आपकी मसाज नहीं करेंगे। और जो दादा दादी नाना नाने वाले किस्सा भी अभी बहुत ही कम हो गया है, बड़े बूढ़ों को उस टाइम पेन हुआ करता था, अभी तो बच्चे से लेकर सभी को पेन की समस्या हो गई। या खान पान ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि बस अब ये नॉर्मली देखने को मिलता है। पहला एक एज फैक्टर होता था कि आपको एक एज के बाद ही इस तरह के पेन होते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी ये जो समस्या है बहुत ही बड़ी हो गई है, भयानक भी हो गई है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिससे इस्तेमाल से आप अपने ये सारी समस्याओं को निजात पा सकते हैं। मैंने भी कुछ इसलिए ही ख़रीदा था इसको, और कई साल हो गए और आज मैं इसे यूज़ कर रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना चाहिए। तो इसे अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं, अपने व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर आप इसे ज़रूर ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाल कलर का जो घंटी का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आप लोगों के पास आए आप उसे सबसे पहले देख पाएं। और अच्छे से कमेंट करके बताइएगा, और नाना नानी वाला तो जरूर बताइएगा आप लोगों ने वो काम किया है कि नहीं। मैंने तो किया है, क्योंकि मैं अपने दादा दादी के पैरों पे चढ़ के अपने उनके पैरों की बहुत मसाज किया करती थी, वो भी शाम के टाइम। वो दिन भी क्या दिन है। तो चलिए छोड़ो, खैर ये बातें तो अलग हैं, बात मुद्दे पर आते हैं। तो जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ वो है डॉल्फिन मसाजर। तो ये डॉल्फिन जो मसाजर है ये बहुत ही काम का मसाजर है। इससे आपको ये आपकी बॉडी पे कहीं पे भी चले, मतलब कहीं पे भी आराम से आप बैठे बैठे इस तरह से आप मसाज कर सकते हैं। ये देखिए मेरा हाथ पीछे तक जा रहा है और मैं अपने खुद की मसाज खुद कर सकती हूँ, चाहे मुझे बैक पेन हो, चाहे मुझे नीज़ में पेन हो, चाहे आपको कंधे में पेन हो, या फिर आपको रिस्ट में पेन हो, कहीं पे भी बॉडी में आपको पेन हो सकता है। दर्द की एक ऐसी समस्या है, वो कौन सा पेन है ये भी आपको देखना है। हो सकता है आपको मसल्स पेन हो रहा, कोई भारी चीज़ उठा ली आपने, या फिर बहुत ज़्यादा चल लिए हैं आप, या बहुत देर से खड़े हुए हैं, या फिर ऐसे भी नॉर्मली भी हम लोगों को दर्द कहीं ना कहीं ऐसे हो जाता है। तो खास बात मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप इसे कहाँ तो इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ही सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे गलत तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर इसको आप मंगाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इसको मैंने करीब 3 साल पहले मंगाया था, 700-800 रुपये का आया था, प्राइस मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मैं लिंक दे दूंगी। और अभी तो फ्लिपकार्ट की सेल भी चल रही, तो आपको हो सकता है थोड़े सस्ते में भी मिल जाए अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं। और ये हर घर में होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल हर किसी को दर्द की समस्या है, और अगर आपको नहीं है तो भगवान का शुक्र है। तो चलिए, ये जो कुछ पैकिंग में, कुछ इस तरह की पैकिंग में मेरे मुझे मिला था, तो ये कुछ इस तरह की पैकिंग में मिला था, और कलर का कोई वो नहीं है कि ये आपको ब्लू में भी आ सकता है और ये आपको रेड में भी आ सकता है, तो मुझे ये रेड में मिला था। तो ये जो इसको लिए मुझे 3 साल हो गए हैं, और ये इसका जो कोड की बात करें तो देखिए 1 मीटर से भी ये ज़्यादा का है, यानी कि देखिए ये एक्स्ट्रा है, ये वाला जो लटक रहा है ये एक्स्ट्रा है, यानी कि 1.25 मीटर के आसपास आपको इसका है जो तार मिल जाता है, बड़ा तार है। और इसके साथ 3 अटैचमेंट आपको मिलेंगे, ये 3 हेड मिलेंगे आपको, ये लगाकर ही आपको इस्तेमाल करना है। तो देखिए ये कुछ इस तरह का है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इस तरह से इसमें निकला हुआ है। इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, जैसे आपका नीज़ होता है, नीज़ के आसपास के जो एरियाज़ होते हैं, मान लो आपको दर्द यहाँ हो रहा है और वाइब्रेशन, इसका जो मसाज करने का तरीका वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन करेगा ये इंफ्राफ्रेड, इसका जो मसाजर का तरीका है वो चुंबकीय किरणें होती हैं, विकिरण वो तरंगे होती हैं, वो ऐसे ऐसे फैलाव करता है इस तरह, यानी कि एक तरीके से आप समझने के लिए इसको वाइब्रेशन में ले सकते हैं, वाइब्रेशन मोड में चलता है ये और काफ़ी तेज़ है। इसमें 3 मोड आपको मिल जाते हैं, 1, 2, 3, और ऑन ऑफ भी मिल जाता है यहाँ पर, ये यहीं से ही आपको यहाँ 3 मोड हैं, ऊपर नीचे करोगे आप इसको ऐसे इस तरीके से, और ये ऊपर कर दो 1, 2, 3,
और ये इस तरीके से, और बीच में जब आ जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये दिखने में कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा नहीं, ये तो स्टिकर ही लगा हुआ है। आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि इसके साथ अटैचमेंट दिए हुए हैं, आप इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करें। ये वाटरप्रूफ नहीं है, आप इसे गीली जगह पर भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को हमेशा सावधानी से भी इस्तेमाल करना चाहिए। और इसकी पावर जो कंजप्शन है वो ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली जो हम हेयर स्ट्रेटनर 220 वोल्टेज वगैरह इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, तो ज़्यादा इससे खर्चा नहीं आता है ऐसा। दूसरा, इसके साथ और ये वाला अटैचमेंट मिलेगा आपको, अगर आपको कमर दर्द की समस्या है तो आप इसे लगाकर आपकी जो कमर की जो बीच वाली जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो हड्डियां होती हैं वहां पे, ये मसाज नहीं करेगा। ये जो साइड वाली, जो साइड की जो जगह है, रीढ़ के पास के वाली जो हिस्सा होता है उसी को मसाज देगा, क्योंकि हड्डियों के ऊपर मसाज नहीं करेगा, साइड के जो मसल्स हैं वहीं पर ये मसाज करेगा। और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, और इसकी जो वाइब्रेशन है, आपको तीन मोड मिल जाते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं। बच्चों के लिए कर रहे हैं तो कम कर लीजिए, बड़ों के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। दूसरा और एक और दिखाती हूँ आपको, कहाँ गया, ये वाला है, इसमें कुछ इस तरह के डॉटेड बने हुए हैं। इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, जैसे आप यहाँ पे कंधे में आपको दर्द हो रहा है, यहाँ कर सकते हैं आप इसको, हाथ पे यहाँ पे आपको मसल्स पेन में हो रहा है मसल्स, तो यहाँ आप कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, थाइस पे कर सकते हैं, पेट पे भी कर सकते हैं। लेकिन इससे कुछ लोगों के सवाल होंगे, क्या इससे जो फैट है वो रिड्यूस होगा, तो ऐसा नहीं है, फैट वगैरह रिड्यूस नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा बहुत अगर कहीं दर्द हो रहा है, आप चाहते हैं कि ऐसे ही मसाज कर लें, या फिर बैक पे या थाइस पे या हिप्स एरिया पर अगर आप करना चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप करें। इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है ये भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसे कहीं भी एक ऐसी जगह इस्तेमाल ना करें, अपनी जैसे ब्रेस्ट हो गई उस पर इस्तेमाल ना करें, कुछ अपने गुप्तांगों पे इस्तेमाल ना करें इसको। दूसरी चीज़, इसको अपने हेड पर इस्तेमाल ना करें, अपने फेस पे इस्तेमाल ना करें, अपने फोरहेड पर ना करें, अपने फेस के इस हिस्से पर आपको इस्तेमाल इसे नहीं करना है, हेड पर भी आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इससे आपको नुकसान भी पहुँच सकता है। दूसरी चीज़, आपके जो कुछ एरिया जैसे हैं वहाँ पे आपको इसे बिल्कुल नहीं करना है, आप समझ जाइए। और यहाँ पे और बॉडी पे आप इसे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ दो तीन चीज़ों को छोड़कर आप इसे वहाँ इस्तेमाल नहीं करें। अगर हो सकता है, अगर आपने ज़्यादा तेज़ उसको कर दिया, वाइब्रेशन ज़्यादा तेज़ चलेगी, आपको नुकसान पहुँच सकता है आपके मसल्स में, तो इसीलिए आप इसे हेड पर ना करें। अगर हेड पर अगर आप करना ही चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप इसे वन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि ये तो आप थोड़े समझदार हैं, इसमें थोड़ा आपको करना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई आपको सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे व्लॉग चैनल भी है दोस्तों, अगर आप मेरा व्लॉग देखना चाहते हैं, मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल करती हूँ, मेरे घर के क्या वीडियो, अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर आएँ, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़ इसको, क्योंकि मुझे अभी इतने अच्छे, मैं अभी भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ, और मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।